इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे टोटोमेरिज्म क्या होता है और किन-किन कंपाउंड -किन के थ्रू टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है किसी भी कंपाउंड के टोटोमेरिज्म को हम इस बेसिक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहां पे हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड का इक्विलिब्रियम दिखाया गया है जिसमें X, y और डिफरेंट एटम है जबकि एच यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है इस पूरे कॉन्सेप्ट में वाई और जेड के बीच का डबल बोन्ड सिंगल बन जाता है और एक्स और वाई के बीच का सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एक्स एटम पर प्रेजेंट हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करके या ऑसिलेशन के थ्रू जेड पे चला जाता है इस प्रोसेस को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए जब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में बहुत तेजी से इंटरकन्वर्टेबल हो और इसमें किसी एटम की पोजीशन का शिफ्ट हो या चेंज हो या ऑसिलेशन हो और इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो तो ऐसी कंडीशन में इसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं टोटोमेरिज्म में सबसे सिंपल और मोस्ट फैमिलियर टोटोमेरिज्म होता है जिसे हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहते हैं इसको समझने से पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड की डिफरेंट साइड को कंसिडर करते हैं यहां पर हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है जिसके ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये बेसिक साइट कहलाती है यानी इस पर एसिड रिएक्ट कर सकता है और इसी तरह से इस डबल बॉन्ड ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है जबकि इसके कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और इसी कारण से इस कार्बन पर न्यूक्लोफाइल अटैक कर सकता है इसलिए इस साइट को हम इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहते हैं और कार्बनिल कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन को एल्फ़ा कार्बन कहा जाता है और इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं और एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा है कि हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है इसलिए इस साइट को हम एसिडिक साइट कहते हैं और किसी भी बेस की हेल्प से इस प्रोटोन को एब्सट किया जा सकता है यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की दो फॉर्म इक्विलिब्रियम में है अगर इन दोनों फॉर्म को बहुत अच्छे से कंसिडर करें तो बेसिकली इसमें हुआ क्या होगा यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हुआ होगा जिस कारण से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बोन्ड की फॉर्मेशन हो गई होगी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बोन्ड बन गया होगा जैसे यह बोन यहाँ शिफ्ट हुआ होगा इस कार्बन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इस एल्फा कार्बन से एक एच एटम इस ओ पे शिफ्ट हो गया होगा जिससे यहाँ पर ओ एच OH ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई होगी यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में एसिटोन और प्रोप वन इन टू ऑल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं अगर हम फॉर्म की बात करें तो इस फॉर्म को हम कीटो फॉर्म कह सकते हैं चूंकि ये, ये एल्कीन का एल्कोहल है इसलिए इसको हम इनओल कह सकते हैं यानी इसमें इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म डायनेमिक डायनेमिक्लेबेरियम में रहती है तो इस पूरे फिनोमिन को यह प्रोसेस को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस और है इस प्रोसेस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बोन की फॉर्मेशन हो जाती है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल की जगह पर सिंगल बन जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आने के कारण वो नेगेटिव हो जाता है तो क्वेश्चन ये है क्या ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है अगर दोनों प्रोसेस को आपस में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो हमें इस प्रोसेस में भी दिखाई दे रही है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमको इस प्रोसेस में भी दिखाई दे रही है बट यहाँ पे जो भी एटम जिसके साथ जुड़े हुए थे इसमें कोई भी एटम ऑसिलेशन नहीं कर रहा है कोई भी एटम इस प्रोसेस में अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है, है जबकि इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम जो यहाँ था वो यहां से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया है तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ एटम की मूवमेंट भी हो रही है जबकि इस प्रोसेस में केवल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये है ये दोनों प्रोसेस सेम नहीं हो सकते दोनों प्रोसेस डिफरेंट है इस प्रोसेस को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं अब बात करते हैं रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के वीडियो में हमने इसे देखा था कि रेजोनेंस के दौरान पार्टिसिपेट करने वाली इन स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसी तरह से टोटोमेरिज्म में इक्विलिब्रियम में रहने वाले इन स्ट्रक्चर को टोटोमर्स कहा जाता है अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की नंबर वन जो टोटोमेरिज्म कॉन्सेप्ट होता है ये रियल कॉन्सेप्ट होता है यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टोटोमर्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं जैसे इस केस में एसिटोन और प्रोप वन इन टू ऑल दोनों आइसोलेबल होते हैं बट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले स्ट्रक्चर या जिसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं ये सारी की सारी स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती हैं यानी कि ये इमेजिनरी होती हैं इन्हें कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता इनमें सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल होता है नंबर सेकेंड टोटोमेरिज्म में जैसा अभी हमने देखा कि जो टोटोमर्स होते हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ कोई मोनोवल एटम भी शिफ्ट होता है जनरली इनमें हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होता है अगर रेजोनेंस में इन डिफरेंट रेजोनेटिक्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का ही होता है इसमें कभी भी एटम अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करते हैं नंबर थर्ड रेजोनेंस के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रेजोनेंस में केवल पाई बोन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन या जिसे हम पी इलेक्ट्रॉन कहते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं कभी भी सिग्मा फ्रेमवर्क इन्वॉल्व नहीं होता जबकि टोटोमेरिज्म में सिग्मा के साथ साथ पाई बोन भी इन्वॉल्व होते हैं नंबर फोर्थ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है यानी इसमें कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होता जबकि टोटोमेरिज्म के दौरान एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसका मतलब ये हुआ अगर टोटोमेरिज्म के दौरान हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो उनकी शेप भी चेंज हो सकती है जबकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है इसलिए उनकी ज्योमेट्री भी सेम रहती है नंबर फाइव इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टोटोमेरिज्म जो होता है वो प्लेनर के साथ साथ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में भी हो सकता है जबकि रेजोनेस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल हो सकता है नंबर सिक्स टोटोमेरिज्म के दौरान किसी भी मॉलिक्यूल की नेट एनर्जी पर कोई भी इम्पैक्ट डेवलप नहीं होता यानी ना तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है और ना ही उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है इस कारण से टोटोमेरिज्म मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकता जबकि रेजोनेंस में जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और इस कारण से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है नंबर सेवन एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट टोटोमर्स आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं जबकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कभी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होती नंबर एट जो टोटोमर्स आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है यानी वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जबकि डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हमेशा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है नहीं होता।, के की पे होता है और सिंगल बोन्ड में डबल बोन्ड करेक्टर डेवलप हो जाते हैं जबकि डबल बोन्ड में सिंगल बोन्ड करेक्टर डेवलप हो जाते हैं नंबर टेन टोटोमेरिज्म को शो करने के लिए इस टाइप का एरो यूज किया जाता है जबकि रेजोनेंस को शो करने के लिए इस टाइप का एरो यूज किया जाता है जैसा कि अभी हमने मेंशन किया कि जो टोटोमेरिज्म होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है यानी ये एसिड और बेस कैटलाइज हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म की एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म को हम इस बेसिक एग्जांपल की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसमें इस, इस कम्पाउंड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है और इस कंपाउंड में वाई एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं जिससे इस कंपाउंड का प्रोटोनेशन हो जाता है और प्रोटोनेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है चूँकि इसमें ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इसलिए वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है ये एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है जबकि बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होती है यानी बैकवर्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरह काम करती है रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और एच पॉजिटिव रिमूव होता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और सैमन इस कार्बन और वाई के बीच के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में एच पॉजिटिव रिलीज होता है

कॉजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एक कार्बनाइन की फॉर्मेशन कर देता है बेस के थ्रू प्रोटोन एब्स करने का ये स्टेप रिवर्सिबल होता है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट होती है वो स्लो होती है और आरडीएस होती है जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट होती है वो फास्ट होती है अब बनने वाला कार्बनइन इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जिससे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और साइमन ये इलेक्ट्रॉन वाई पर शिफ्ट हो जाते हैं जिससे हमारे पास वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है रिएक्शन का अगला स्टेप भी रिवर्सिबल होता है और इसकी रिएक्शन इस कंजुगेट एसिड के साथ होती है और कंजुगेट एसिड इसमें एच पॉजिटिव को रिलीज करता है जिससे बेस रीजनरेट हो जाता है और ये एच पॉजिटिव इस वाई के साथ रिएक्ट कर लेता है जिससे वाई और एच के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है रिवर्सिबल होता है 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 इसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट होती होती वो फास्ट जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट होती है वो स्लो होती, होती, होती है इन दोनों तरह के मैकेनिज्म को हम कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं यहाँ पे एसिटोन की रिएक्शन एसिड से करवाई जा रही है यानी कि ये हमारे पास एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है इस रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर

डबल की फॉर्मेशन हो जाती जबकि कार्बन और बील फॉर्म के थ्रू इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन हो, हो, form हो जाती है इसी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिक मीडियम में भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है जिसे हम बेस केटेलाइज टोटोमेरिज्म कहते हैं इसमें एसीटोन की रिएक्शन ओ एच नेगेटिव बेस यानी हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है क्योंकि कार्बनल कंपाउंड में इस सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में एडजस्टेंड कार्बन एल्फा कार्बन कहलाता है और उसकी हाइड्रोजन को हम एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं इनकी एसिडिक नेचर ज्यादा होने के कारण बेस सबसे पहले यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्सेट कर लेता है जिससे बेस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हमारे पास कार्बनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है चूंकि इस कार्बोनिन का ये सी नेगेटिव इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में होता है तो इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बन सकती है इसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट करता है जिससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के इस माइग्रेशन से इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है रिएक्शन के अगले स्टेप में इस इनोलेट की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है और वाटर मॉलिक्यूल इसमें एच पॉजिटिव डोनर का काम करते हैं और यहाँ से एक एच पॉजिटिव इस ओनेक्टिव के साथ रिएक्ट कर लेता है और इस एसिड बेस रिएक्शन से इनोल की फॉर्मेशन होती है अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये नोट करने वाली है कि जितने भी केस अभी हमने टोटोमेरिज्म के लिए हैं उसमें एच पॉजिटिव अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है या हम ऐसा कह लें टोटोमेरिज्म के मैक्सिमम केसेस में एच पॉजिटिव ही टोटोमेरिक फॉर्म में अपनी पोजीशन को चेंज करता है इसलिए इस टाइप के टोटोमेरिज्म को हम प्रोटोट्रॉफी कह सकते हैं अगर प्रोटोट्रॉफी की बात करें तो प्रोटोट्रॉफी के लिए बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म जो होता है वो मोर फेवरेबल होता है इन दोनों तरह के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने जो कार्बोनिक कंपाउंड को यूज किया है ये कार्बोनल सिमेट्रिकल है अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है इसके सी डबल बोन ओ ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं इस कारण से एसिटोन जो होता है या ये कार्बोनिक कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल कार्बोनिक कंपाउंड है अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कार्बोनिक कंपाउंड होता तो फिर उसके एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में किस तरह से मैकेनिज्म डिसाइड होता है इसके लिए हमको इनका आडियस ध्यान में रखना पड़ेगा अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल है उसके साथ आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बनने वाली इनोल की स्टेबिलिटी चेक की की जाएगी और इस इनोल स्टेबिलिटी बिल्कुल वैसे ही चेक की जाएगी जैसे हम एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं एल्कीन केस में हम क्या करते हैं इस सी डबल बोन्ड सी के रिस्पेक्ट में जो भी इस कार्बन के और इस कार्बन के एडजस्टेड कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है जैसे इस इनोल में कार्बन एल्फा कार्बन होगा और इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो एल्फा हाइड्रोजन होंगे और जो प्लस एच इफेक्ट यानी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस इनोल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे अगर मान लीजिए किसी एनसोमेट्रिकल किटोन में बेसिक मीडियम में टोटोमेरिज्म की स्टडी की जा रही है ऐसी कंडीशन में कार्बेइन का बनना उसमें आरडीएस स्टेप होता है तो जहां पर स्टेबल कार्बेन बनेगा उस साइड से डोमिनेट होगा

प्लस एच इफेक्ट प्रेजेंट है चूंकि इसमें एच की संख्या ज्यादा है इसलिए इन दोनों इनोल में से इस इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी यानी एसिडिक मीडियम में अगर अनसिमेट्रिकल की टोन है तो ये रूट फेवरेबल रूट नहीं होगा इस रूट के थ्रू मोर स्टेबल इनोल की फॉर्मेशन होगी अगर इसी तरह से इस अनसिमेट्रिकल की टोन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जाती है तो इसमें बनने वाले कार्बनाइन की स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा क्योंकि ये बेस क्या करेगा इस कार्बनइन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में उसके अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को एबसेट कर लेगा अगर यहां से एक हाइड्रोजन को एबसेट करेगा तो इस टाइप के कार्बनइन की फॉर्मेशन होगी

और जीओसी में हमने देखा है जो वन डिग्री कार्बनइन होता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है क्योंकि तो सेकेंड डिग्री कार्बनइन में इस एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप के कारण इसमें प्लस आई इफेक्ट डेवलप होता है जिससे क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करता है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती हैं और इसलिए इस कार्बन पर रिपल्शन शुरू हो जाता है और इसी कारण से वन डिग्री कार्बोनाइन सेकेंड डिग्री कार्बनइन के कंपैरिजन कार्बन में ज्यादा स्टेबल होता है इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों कार्बोनाइन में बेसिक मीडियम में हमेशा यह कार्बे बनेगा ये कार्बोनाइन कभी भी नहीं बनेगा अगर ये कार्बोनाइन बनेगा तो इससे बनने वाला इनोल कुछ इस तरह से होगा अब इन दोनों मीडियम में बनने वाले मेजर प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करते हैं एसिडिक मीडियम में हमारे पास ये इनोल मेजर बना बेसिक मीडियम में हमारे पास ये इनोल मेजर बना इसका मतलब ये हुआ इन दोनों इनोल को कंपेयर किया जाए तो एसिडिक मीडियम में इनोल का डबल बॉन्ड हमेशा मोर क्राउडेड जगह पे जाता है जबकि बेसिक मीडियम में इनोल का डबल बॉन्ड लेस क्राउडेड जगह पे होता है इस तरह से अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम में इस अन कीटोन में टोटोमिज्म की स्टडी की जाए तो ये जो हिस्सा होगा इसका मोर क्राउडेड होगा जबकि ये हिस्सा जो होगा वो लेस क्राउडेड होगा यानी एसिडिक मीडियम में इनोल का डबल बॉन्ड मोर क्राउडेड जगह पे जाने के कारण ये कीटो ग्रुप यहाँ के एच को यूज करते हुए इस टाइप का इनोल मेजर बनाएगा जबकि बेसिक मीडियम में इनोल का डबल बॉन्ड लेस क्राउडेड जगह पे जाएगा तो इसका मतलब ये है ये कीटो कीटोग्रुप इसके एच को यूज करके इस टाइप का इनोल मेजर बनाएगा अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ टोटोमेरिज्म की यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको देख के या फुलफिल करके हम ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के थ्रू टोटोमेरिज्म पॉसिबल होगा या फिर पॉसिबल नहीं होगा इसके लिए हमको दो चीजों को ध्यान रखना है सबसे पहले हमको ये देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर हमको इस तरह का सिस्टम ढूंढना है जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंशन में किया है कि इस तरह के सिस्टम में एक्स वाई और जेड डिफरेंट एटम हो सकते हैं अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन हो सकता है यानी कार्बन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है ऐसा सिस्टम मिलने के बाद हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है अब यहाँ पे हमारे पास टोटल फाइव एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनमें हम इस टाइप की कंडीशन को चेक करना सीखेंगे इस कंडीशन को चेक करने से पहले हमको दो और चीजों का ध्यान में रखना है कि ये जो वाई और जेड के बीच का डबल बॉन्ड है पोलर बॉन्ड होना चाहिए यानी जो Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वाई से ज्यादा होनी चाहिए अगर हम एटम एटम की बात करें और X एटम अगर कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस कार्बन एटम का हाइब्रोडाइजेशन sp3 होना चाहिए एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन में हमारे पास ये सीओ बॉन्ड पोलर है तो इसमें ये हमारे पास जेड एटम बन जाएगा ये हमारे पास वाई बन जाएगा तो जेड और वाई के बीच में डबल बॉन्ड मिल गया ये हमारे पास X एटम हो गया जिसपे हाइड्रोजन प्रेजेंट है X अगर कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए वो भी कंडीशन मैच हो गई यानी इस कंपाउंड से टोटोमेरिज्म की सभी कंडीशन मैच होने के बाद हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एग्जाम्पल वन टोटोमेरिज्म शो करेगा इसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये बन जाएगा Z ये बन जाएगा वाई और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एटम जो कि एस है जिस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी इस मॉलिक्यूल के थ्रू भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल होगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड इस एग्जाम्पल में यहां पर Z एटम हो गया ये हमारे पास Y हो गया अब इसमें दोनों साइड में हमारे पास X एटम है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही X एटम यहाँ पे कार्बन है और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए इस मॉलिक्यूल में दोनों साइड से टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है एग्जाम्पल नंबर फोर इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास जेड एटम बनेगा और ये बन जाएगा वाई अगर इस साइड चलेंगे ये एक्स है और यहाँ भी एक्स है अब दोनों में कौन सा एक्स हमारे लिए कंडीशन फुलफिल करेगा अगर इस एक्स को कंसिडर करें ये एस पी टू हाइब्रोडाइज है, है इसका मतलब ये हुआ ये एक्स हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा जबकि इस एक्स की बात करिए कार्बन है एस पी थ्री है और इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल में इस साइड से टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा इसी तरह एग्जाम्पल नंबर फाइव में ये हमारे पास Z एटम होगा ये हमारे पास Y बनेगा और दोनों साइड की बात करें तो कहीं भी हमारे पास ऐसा इन दोनों कार्बन में से कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो X बन सके क्योंकि ये दोनों कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज है और कंडीशन में हमने मेंशन किया है कि अगर X हमारे पास कार्बन है तो एक्स का हाइब्रिडाइजेशन एस होना जरूरी है इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड नंबर फाइव किसी भी तरीके से टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता कंडीशन नंबर सेकेंड कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन फर्स्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है इस कंडीशन फर्स्ट में एक्स एटम एटम और वाई सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है बट कंडीशन में एक्स और वाई के बीच में कंजुगेशन हो सकता है यानी एक्स और वाई आपस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के थ्रू सेपरेट हो सकते हैं इसमें कंजुगेशन भी हो सकता है और इसमें कई सारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यानी इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हो सकता है यहाँ पे हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं इन तीनों एग्जाम्पल में हम कंडीशन सेकेंड को कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये हमारे पास जेड एटम होगा ये हमारे पास वाई एटम होगा यहां पे हमारे पास कार्बन डबल बोड कार्बन का कंजुगेशन आ चुका है क्योंकि ये कार्बन डबल बोड कार्बन इस डबल बोड के साथ सिंगल बोन्ड सेपरेटेड से है यानी यहां तक का सिस्टम जो है पूरा कंजुगेटेड सिस्टम है इसलिए ये जो सी एस थ्री वाला कार्बन है ये हमारे लिए एक्स की तरह काम करेगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज़ होगा और इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसलिए कार्बन जो होगा वो y एटम होगा अगर अब इसमें हम x एटम की बात करें तो इसका जो y एटम होगा इस साइड से भी कंजुगेशन सेपरेटेड से है इस साइड में भी कंजुगेशन प्रेजेंट है इसलिए ये जो कार्बन होगा अब ये हमारे लिए इसका x एटम बन जाएगा जो कि sp3 थ्री होगा और इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसलिए इस मॉलिक्यूल में टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड इस एग्जाम्पल में अगर हम इस साइड कंडीशन मैच करें तो इस साइड में ये हमारे पास जेड एटम होगा ये वाई होगा और ये हमारे पास एक्स एटम होगा जो कि sp3 थ्री होगा और इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इस सिस्टम में यहां से टोटोमेरिजम पॉसिबल होगा बट ये कंडीशन हमने फर्स्ट चेक करी है अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से चेक किया जाए तो अगेन हमारे पास यहाँ पे Z है ये हमारे पास Y बन जाएगा ये हमारे पास कंजुगेशन आ गया तो ये जो कार्बन होगा ये अब हमारे पास X की तरह काम करेगा क्योंकि तो ये भी sp3 है और इस पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कारण से इस मॉलिक्यूल में इस साइड से कंडीशन सेकंड से फुलफिल हो रही है और इस सेकंड से, से इसमें कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो रही है इसलिए ये मॉलिक्यूल दोनों साइड से ही टोटोमेरिज्म शो कर सकता है जैसा कि अभी हमने कंडीशन में, में मेंशन किया है अगर एक्स हमारे पास कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी होना जरूरी है ऐसा क्यों होता है इसको हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल में अगर मान लो इसको हम जेड मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं तो ये दोनों कार्बन हमारे लिए एक्स की तरह काम करेंगे और इस साइड में अगर ही हमारे पास Z है तो ये Y होगा अगेन ये दोनों कार्बन हमारे लिए X का, का काम करेंगे इन चारों कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट हमने कंडीशन में लिखा है कि X अगर कार्बन है तो ये sp3 होना जरूरी है जबकि ये चारों के चारों कार्बन sp2 है इसका मतलब ये है इस कंपाउंड के थ्रू टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता अब क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता मान लो ये हमारे पास एक्स की तरह काम करे और हम इसका हाइब्रिडाइजेशन ना देखें तो टोटोमेरिज्म में होगा क्या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे जिससे यहाँ से एक एच पॉजिटिव एटम इस ओ पर शिफ्ट हो जाएगा और इससे हमारे पास कुछ इनोल फॉर्म इस तरह की बनेगी अब इस इनोल फॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया क्योंकि इसमें दोनों साइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन एस हो गया है और sp होने के कारण इसका बोन एंगल 180 डिग्री होगा और ये अपने आप को लीनियर बनाना चाहेगा और किसी भी six member ring में 180 डिग्री एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता इसलिए इस रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा और इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके से टोटोवेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा इस कारण से हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर एक्स हमारे पास कार्बन एटम है तो उसका एसपी थ्री होना जरूरी है अब यहां पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने डील करे हैं उन सब में एक्स जो था वो कार्बन एटम था क्या कार्बन एटम का होना जरूरी है या कार्बन के अलावा और कोई भी एटम इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है तो इसका आंसर ये है एक्स की जगह पर दूसरे एटम भी हो सकते हैं बट ऐसे मोलिक्यूल में कंडीशन हम इसी तरीके से चेक करते हैं जैसे इस एग्जाम्पल में अगर कंडीशन को मैच करें तो हमारे पास सबसे पहले पोलर पाइपोन ढूंढना है ये हमारे लिए जेड बन जाएगा ये हमारे पास वाई बन जाएगा यह हमारे पास कंजुगेशन आ गया तो ये हमारे पास एक्स एटम बनेगा और इसका एच जो होगा वो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा और जैसे इसमें टोटोमेराइज होगा ये मोलिक्यूल कुछ इस तरह से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ तक के डिस्कशन में हमने ये सीखा कि किसी भी कंपाउंड में टोटोमेरिज्म की कंडीशन को किस तरह से मैच करते हैं अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कंडीशन का मैच होना इस बात की गारंटी है कि वो कंपाउंड हमेशा टोटोमेरिज्म शो करेगा जैसे अगर इस कंपाउंड में हम टोटोमेरिज्म की कंडीशन को मैच करें तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए लिएड एटम की तरह काम करेगा इसका डबल बॉन्डेड कार्बन वाई एटम की तरह काम करेगा और इसमें दोनों साइड हमारे पास एटम होगा अब बात यह है कि इस कार्बन को अगर कंसिडर करें तो इस कार्बन पर कहीं भी एच प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ये होगा कि इस कंडीशन में ये जो कार्बन एटम होगा ये एक्स नहीं बन सकता अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करें तो इस कार्बन पर एक एच प्रेजेंट है और ये एस्पित्री हाइब्रिडाइज है इसलिए इस कंपाउंड में यहां से कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये है कंडीशन फुलफिल होती है क्या हम ये स्टेटमेंट दे दें कम्पाउंड दे, शो करेगा तो इसका आंसर है कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमको उसका टोटोमेरिक फॉर्म बना के देखनी है जैसे ये हमारे पास केटो फॉर्म है इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमको इसकी इनोल फॉर्म बना के देखनी है फिर उसकी स्टेबिलिटी को और डिफरेंट पैरामीटर को कंसिडर करना है चूंकि इस कंपाउंड में इस कार्बन के थ्रू कंडीशन फुलफिल हो रही है और अगर इसके हाइड्रोजन को हम इसकी इनोल फॉर्म बनाने में यूज करें तो यहां से ये यह बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा और यहाँ पर ओन एक्टिव की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से एच पॉजिटिव इस ओन एक्टिव पर शिफ्ट हो जाएगा जिससे हमारे पास कुछ इस तरह के इनोल बनेगा अब इस इनोल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है इस कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एसपी टू हो गया है और चूंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है तो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 कंडीशन सरवाइव नहीं कर सकती वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है इस कारण से इस कंपाउंड में सभी तरह की कंडीशन फुलफिल होते हुए भी ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता इसी तरह से इस कंपाउंड में इस कार्बन के थ्रू एक्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है अगर इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को यूज करते हुए हम इसमें इनोल फॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं तो इसकी इनोल फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देती है अब इन दोनों कंपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हक्के रूल के अकॉर्डिंग ये जो कंपाउंड है इसमें एसपी थ्री कार्बन प्रेजेंट है इसलिए ये कंपाउंड हमारे पास नॉन एरोमेटिक है जबकि अगर इस कंपाउंड में देखें तो इसमें टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा अगर इन दोनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो रूल में हमने देखा है कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा होती है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये कंपाउंड स्टेबल है जबकि ये कंपाउंड इसके रिस्पेक्ट में अनस्टेबल है इसलिए कभी भी ये रिएक्शन आगे की साइड में प्रोसीड नहीं करेगी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में सारी के सारी टोटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो रही थी मगर ये इनोल अगर बन जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसलिए इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है तो अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड में एच पॉजिटिव और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें भी एच पॉजिटिव की शिफ्ट के कारण डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दो डिफरेंट कंपाउंड रहते हैं जैसे नंबर सेकेंड जब नाइट्रो ग्रुप इस तरह से एच पॉजिटिव की शिफ्ट करता है तो ऑक्जीम में कन्वर्ट हो जाता है यानी इसमें नाइट्रो और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं ये नाइट्रोसो ऑक्जीम प्रोटोमेरिज्म कहलाता है इसी तरह से नाइट्रो कंपाउंड एच पॉजिटिव और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण एसी नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रो और एसी नाइट्रो इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं ऐसे टोटोमेरिज्म को हम नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म कहते हैं इसी तरह से आईमिन फॉर्म इनिमाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एमाइड फॉर्म इमेडोल में कन्वर्ट हो जाता है इसी तरह से एजो कंपाउंड हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्टम इलेक्टि में कन्वर्ट हो जाता है ये सभी हमारे पास डिफरेंट टोटोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा टोटोमेरिज्म क्या, क्या होता है और टोटोमर्स किस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से डिफरेंट होते हैं टोटोमेरिज्म का मैकेनिज्म क्या है और किस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म को किस तरह से चेक किया जाता है तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कीटो और इनोल फॉर्म में से स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको समझकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में इनोल फॉर्म या कीटो फॉर्म ज़्यादा डोमिनेट होगी